चीज़ में बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, मीठा तेल बढ़ गया, दाल हर चीज़ बढ़ गई। इसमें कोई मतलब ही नहीं है। मोदी आके भी मोदी बोल रहे कि खाली सब ठीक है, मोदी के आदमी बोलते कि और बढ़ जाने बोलते, क्या वहाँ जहेज में ला के दे रहे क्या कोई बात ये है। बस है बजू क्या करना कर, मेरा कलर का काम है, पेट्रोल में डेली 300 रुपये का खर्चा हो रहा, पहले 100 रुपये और था। गवर्नमेंट से क्या हो ना, पेट्रोल कम करो बोलो, तेल कम करो बोलो, खाने की चीज़ें कम करो बोलो, भगवान के गैसों पे भी पूरा क्या गैस हो क्या, 4,500 की जगह 1,200 रुपये हो रहा। अब अगले महीने भी बढ़ा रहा था 200 रुपये। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। रोज़ बरोज़ आसमान छूती पेट्रोल डीजल पकवान गैस और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि न सिर्फ पेट्रोलियम अशिया बल्कि कुकिंग ऑयल और दीगर खाने पीने की तमाम अशिया पर कीमतों में इजाफा होता ही चला जा रहा, जिससे एक मुतवस्त तबके का गरीब इंसान किस तरह अपना कमाएगा और कैसे पेट्रोल और डीजल में पैसे खर्च करेगा और किस तरह अपने ज़रूरियात ज़िंदगी, बच्चों की पढ़ाई और दीगर अखराजात मुकम्मल कर पाएगा। अभी फ़िलहाल पेट्रोल की कीमत 112 रुपये से लेकर 115 रुपये फी लीटर चल रही है और दिन ब दिन इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले साल तकरीबन 80 से 85 रुपये फी लीटर पेट्रोल मिल पा रहा था, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही पेट्रोलियम अशिया की चीज़ों में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी जमन में एशियन टीवी न्यूज़ के ज़रिए अवाम के तासुरात जानने की कोशिश की गई, जिस पर अवाम ने हुकूमत की इस तरह की कारकर्दगी और बढ़ती हुई महंगाई पर शदीद बरहमी का इजहार जाहिर किया। बंडलागुड़ा अहमदनगर बी ब्लॉक के प्रेसिडेंट सैयद हाजी ने भी बढ़ती हुई महंगाई पर और हुकूमत की कारकर्दगी पर अफसोस व बरहमी का इजहार भी किया है। पेश है रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको बराबर मिल पाए। चीज़ में बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, मीठा तेल बढ़ गया, दाल हर चीज़ बढ़ गई। इसमें कोई मतलब ही नहीं है। मोदी आके भी मोदी बोल रहे कि खाली सब ठीक है, मोदी के आदमी बोलते कि और बढ़ जाने बोलते, क्या वहाँ जहेज में ला के दे रहे क्या कोई बात ये है। बस है बजू क्या करना कर, मेरा कलर का काम है, पेट्रोल में डेली 300 रुपये का खर्चा हो रहा, पहले 100 रुपये और था। गवर्नमेंट से क्या हो ना, पेट्रोल कम करो बोलो, तेल कम करो बोलो, खाने की चीज़ें कम करो बोलो, भगवान के गैसों पे भी पूरा क्या गैस हो क्या, 4,500 की जगह 1,200 रुपये हो रहा। अब अगले महीने भी बढ़ा रहा था 200 रुपये। मैं डेली 50-60 किलोमीटर फिरता हूँ। प्रॉब्लम भी है, पेट्रोल महंगा होता है ना, पेट्रोल महंगा रहता है, खाने की चीज़ भी महंगा है। अब गैस हो एकदम नहीं, अब 900 रुपये चिल्लर होगा, 1,000 रुपये चिल्लर होगा, अब कहाँ से लाएंगे भाई? रोज़ कमाना खाना होता आदमी लाएंगे कहाँ से? हुकूमत से क्या जा रही है, कम करे तो बस है, हमको क्या करना है? ये जो चीज़ें बढ़ गए हुए है उसको कम करे तो बस है, हमको कुछ भी नहीं भी कर सकते। वह है उनके पास पैसा, खा रहा पी रहा, उन्हें 2,000 भी है तो डाला लेता। अब हम ये डेली 500-1,000 कमाने वाले एकदम में, अगर गैस का सिलेंडर हो, अगर आपको 1,000 रुपये होते कहाँ से लाएंगे? उन्हें कमाने का 500, घर में बच्चे कच्चे खाएंगे क्या, बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? ये है। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई पेट्रोल इतना बहुत महंगा हो गया भाई, पहले 80 रुपये था, अब 80 जाके 115 रुपये हो गया। अब लोही कमाई थी है कि अपन कुछ कर ही नहीं सक रही। पेट्रोल में दिन भर में एक 15 से 20 किलोमीटर फिरना है, तो उसमें ऐसे अपन कुछ कर ही नहीं सक रही, तो लिहाजा आप जरूरी है। आप क्या काम करते हैं? कारखाना है मैं। कितना फिर डेली? डेली एक 40 से 50 किलोमीटर मिलता है। कितना खर्चा होता था पहले? कितना खर्चा हो रहा पेट्रोल की वजह से? पहले ऐसा 200 रुपये के अंदर हुआ था, 250 रुपये के ऊपर हो जा रहा। हाँ प्रॉब्लम हो रहा पेट्रोल की तरफ से तो बहुत हो रहा। टिकट 25 रुपये थी, 60 रुपये हो गई जी। पब्लिक देखे तो पैसे बोझ दे रही, गैस के रेट बढ़ें दे, कुछ भी बढ़ें दे, रास्ते बंद होंगे, कुछ भी होंगे, पब्लिक बोझ दे रही। ऑटो वालों की कुछ ऐसा रेट बढ़ाएंगे मीटर में, मिनिमम क्या है आप क्या कर रहा? मिनिमम 10 रुपये दे रहे हैं। 10 रुपये है? हाँ। तो अब तुम्हारी यूनियन से कुछ भी तुम्हारे को एकदम नहीं मिला के 15 रुपये करेंगे गैस पे रेटा बढ़े बोलते?
पब्लिक देने को रेडी नहीं है ना, गैस पे पड़े तो हम क्या करेंगे? वो रिपब्लिक ऑटो आप जाती है नहीं होता, किराए का है भैया 250 रुपये। बाबा नगर जहाँ सवारी मिली वहाँ चले आता हूँ। अरे कभी चल रहा कभी नहीं चल रहा, समझो चले सो दिन चला आ रहे हैं। डेली 250 की गैस तो एक्स्ट्रा चल जा रही, समझो क्या करेंगे भाई? गैस पे थोड़े रेट कम हो गए तो जरा हम लोगों को भी सहूलत रहती। बोलो। डीजल का रेट कम था, लॉकडाउन में 65 रुपये था, अब फिर लोगों तो 105 रुपये लीटर है। आमदनी तो कुछ भी नहीं है, डीजल डालना किराया देना यानी तो फाइनेंस बनना रहता। अब गाड़ी आपकी किराए के साथ नहीं, मेरी जो फाइनेंस महीना 6,500 बनना रहता। अच्छा, और तो फिर अब कारोबार आपके जैसा पहले जो ऐसा कारोबार तो नहीं है, लॉकडाउन हुए से कारोबार पूरा सत्रोल होगा। हाँ। कारोबार में जान नहीं है। हुकूमत से ये इतला करना है अपन को, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कम करे तो बहुत अच्छा रहता। कहाँ पर रहते आप? मैं बोरावंडा में रहता हूँ, मैं जहाँ बोले यहाँ चला लेता हूँ ऑटो। नहीं है कमाई तो नहीं है, बेकार और कुछ भी नहीं, छोड़ देना, लेबर का काम कर लेना पड़ता, कहीं लेबर का काम कर लेना पड़ता, ऑटो लाइन से छोड़ देना पड़ता है। हर चीज़ का रेट बढ़ जा रहा, मिठा तेल का रेट बढ़ जा रहा, हर चीज़ रेट बढ़ जा रही, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। घर को गए तो कुछ लेके जाना बोल तो बड़ी मुश्किल होगा, 500 रुपये लेके जाना बड़ी मुश्किल होगा। आज के दौर में 500 रुपये में क्या आने का कुछ भी नहीं है, मिठे तेल की पाकिट भी नहीं खरीद सकते, किलो चावल तरकारी लेते ख़त्म है, एक दिन का राशन का कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पेट्रोल और डीजल में ये हालत करके रही है गवर्नमेंट, एक आम आदमी क्या कमाएगा क्या खाएगा, और उसके घर के अखराज आते हैं, एक तो लॉकडाउन कर दी ऊपर से, एक तो उसका रोज़गार ख़राब हो गया, आदमी कमाएगा क्या खाएगा क्या, गाड़ी लेके फिरो लोग को बने, मेट्रो ट्रेन इसलिए डालेगा खाली हमारे मेट्रो ट्रेनों में फिरो किराया लगा के गाड़ियाँ, फिर गाड़ियों का शोरूम बंद कर दो, वैसा है तो बंद कर दो, खाली बसा चलाओ तुम्हारे सस्ते बसा, डोर टू डोर डिलीवरी दियो, डोर टू डोर पिकअप दियो, बराबर जो है ना आदमी नहीं चलाता गाड़ियाँ। आप जो है ना अपनी सहूलत पूरी निकालेंगे और अपने काम पूरे करेंगे और अपने एक आम आदमी को जो है ना परेशान करके रख डालेंगे, वो तो कैसा चलेंगे बोलो आप? हाँ, दूसरी जगह भी देखो डीजल कैसा हो रहा, अपने पास पहले भी आपको डीजल कम रेट में आ रहा था, फिर अपने पास बढ़ के दे रहे हैं कई रुपये ऐसा, और अपने क्या बोलते हैं हर चीज़ पे रेट बढ़ते जा रहा भाई, किसी को कुछ बोले सरकार नहीं है ना कोई सुनने वाला है। गाड़ी आपकी चाहे? हाँ मेरी चाहे भाई, मैं चलाता हूँ देखो, आप ये मेरे 18 साल की उम्र से गाड़ी चलाता हूँ मैं, जब गाड़ी रेट था 50 रुपये 48 रुपये, अभी रेट डबल रेट हो गया, आप 100 रुपये 110 रुपये बोलते कहाँ से चलेंगे इंसान, समझ में भी नहीं आ रहा भाई क्या रेट आ रहा क्या रेट नहीं आ रहा, पैसे बची नहीं हो रही किसी भी सूरत में जाके। हुकूमत से ये चाह रहे हैं, हुकूमत जो है ना गरीबों पर कृपा करे भाई, समझे आप, थोड़ा रहम फरमाया गरीबों के ऊपर, एक इंसान आप इंसान जीने के ऊपर इंसानियत पर रहम फरमाया भाई। केसीआर साहब को यही मैसेज देना चाहेंगे, केसीआर साहब को हम इतना पसंद से लेके आए उनको, हमारी हुकूमत आगे तो अच्छा रहेगा, TRS हमारा तेलंगाना अलग हो गया तो अच्छा रहेगा भाई, बोल के हम जो ना उसमें देना एहतियात करें, ये करने के बाद जो है ना फिर जो है सो ये हालत साहब बोलते, अब क्या बोलेंगे लोग, बोल के भाई तेलंगाना बन गया गजाब हो गया बोल के बोल रहे लोग हम भाई। अपने नाम मोहम्मद मुज्जू है, बेकरी मिलेगी कौन है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो भाई क्या बोलते अपने रेडा डीजल के पेट्रोल पर रेट बढ़ने से क्या कस्टमर क्या इसमें तकरीबन मुश्किल हो रही, समझो कस्टमर होंगे इधर क्या आप 100 रुपये का पेट्रोल लाने से क्या आप 112 रुपये पेट्रोल हो गया है, पहले 72 चिल्लर था आता था, अब क्या गैस पे डीजल पे अपना डीजल की भट्टी है तो उस पर भी डीजल पर भी रेट बढ़ गया था तकरीबन। और इस्माइल नगर बल्लागुड़ा कहाँ से आती थी आपको? पब्लिक अंदर से गौस नगर से आती और अपने छः इस्माइल नगर बल्लागुड़ा इधर से आती। तो ये महंगाई के ऊपर कारोबार होता था आपका, तो महंगाई होने से कारोबार में तो बहुत एफर्ट पड़ गया लॉकडाउन के वजह से इस पर, और मेन चीज़ क्या है महंगाई के से कारोबार बहुत तकरीबन बहुत फ़र्क हो गया, रेट बढ़ाए पर तो क्या पहले 12-10 रुपये पब दे रहे 12 रुपये दे रहे, पर 12 से क्या रेड़ा बढ़िया रहे बोल के हो रहे, अब तकरीबन क्या तेल पे इस पर हर वो चीज़ पर महंगाई हो गई, गैस पे हर चीज़ का रेड़ा बढ़ गए, तो गारमेंट के से गुजार के रेट तो दुनिया का वगैरह पब्लिक को क्या है, अब रोज़ कमाने वाला 400-500 रुपये कमाने वाला तो मुश्किल हो रही है, अब बड़े आदमी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप भी यहाँ पे तो आपके इस्तेमाल असल रहमतुल्लाह वरकातु, मेरा नाम सैयद हाजी है, मैं बल्लागुड़ा अहमदनगर बी का जो है पेशेंट हूँ, अहमदनगर बी
का जो है प्रेसिडेंट हूँ MIM पार्टी से। आप लोगों को अगर याद है, आवाम को अगर याद है, तो 2014 से पहले अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी तकारीर के अंदर बताया था कि अगर BJP की हुकूमत आएंगी तो आपको बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, जिसमें से महंगाई का तोहफ़ा, फसाद और फितने का तोहफ़ा। तो लोग जो है ये बोलेंगे वो गुजराती बच्चा है, अपने इकनॉमिक को बढ़ाएंगा और मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। उसके बाद देखे कि उसके कई दोस्त, उसके करीबी लोग जो है हमारे मुल्क का, हमारी गरीब आवाम का जो है पैसा लेके भाग गए। और फिर नोटबंदी की मार पड़ी, फिर लॉकडाउन की सख्तियाँ, और आज जो है पेट्रोल डीजल जो है, हर रोज़ सुबह उठने पर ये यकीन के साथ उठना है कि आज जो है पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, डीजल का रेट बढ़ेगा। अभी हाल ही में मैं समझता हूँ साले गुज़श्ता अगर ये तारीख में हम चले जाएँ तो हमको जो है 70 और 80 के दरमियान में जो है पेट्रोल था, आज जो है 112-113 रुपये के आसपास में है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसमें मिडिल क्लास से लेके गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। मालदार जो है अपने बिज़नेस को बढ़ा रहा है, गरीबों से चूस रहा है और अपना जो है मेंटेनेंस बराबर कर रहा है। मिडिल क्लास और गरीब तबका, लेबर तबका, ऑटो चलाने वाले और जो रोज़ मजदूरी करने वाले, ये हजरात जो है बहुत परेशान हैं। अब इसको जो है खाली महंगाई महंगाई बोलने से कुछ नहीं होता। सियासी जमातों के ज़िम्मेदार हैं, जिस तरह हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है बार बार जो है आवाम को जो है एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश करें, इसी तरह से सारी सियासी जमातें आकर जो है इसके खिलाफ आवाज़ें उठाएंगी तो इंशाल्लाह होएगा। आप मेरे से बाइट ले लेंगे, मैं आपको दे दूँगा, रोड पर लोग जो है निकलेंगे, पुकारा करेंगे, सिलेंडर लेके आएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इससे जो है सही तरीके से, सही जो है दानेश्वर हजरात बैठ के जो है इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, ये मेरा ख्याल है। अभी आपको बताया कि जैसा मिडिल क्लास तबका है तो इसके अंदर आम तौर पे होता ही है कि अक्सर आदमी जो है कमा के लाके बीवी के हाथ में जो है पैसे दे देता और वो बेचारी जो है अपना राशन पानी गैस जो भी है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना। अब वो परेशानी तो बेचारी खातून पे आ जाती है। तो इसकी वजह से मिडिल क्लास और गरीब तबका जो है बहुत, क्योंकि आजकल जो है छोटे छोटे देहात के अंदर भी आप चले जाइए कि लकड़ियों पर कोई नहीं पका रहा, सब जो है गैस के ऊपर पका रहे हैं। तो गैस की वजह से परेशान है, डीजल की वजह से परेशान है, पेट्रोल की वजह से परेशान है लोग। मेरा मुताबला है गवर्नमेंट से, हर चीज़ में जो है ना, जिस तरह से गैस है, जैसा पेट्रोल है, डीजल है, हर तरह से जो है ना हर किसी में रेट बढ़े हुए है। इस तरह जो है ना रेट अगर बढ़ते रहेंगे, एक मामूली सी ड्राइवर क्या कर सकेगा इसके अंदर काम, जो सुबह जो है गाड़ी चलाता, शाम में जो है ना वापस घर जाता, किराए में भी जो है ना जो बेनिफिट किराए में पहले रहती थी वही बेनिफिट है, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे को जो है ना इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा और गवर्नमेंट जो है ना हर टाइम हर डे रेट बढ़ाते जा रही, तो इसमें हम जो है ना आगे बढ़ के काम क्या कर सकेंगे, हमारे बच्चे जो है ना भूखे मर जाएंगे। हम तो पहले डीजल का रेट जो है ना क्या था, 56 रुपीज़ था, अब जो है ना एकदम 96-97 पे जाके जो है ना जंप हो गया। इतना जो है ना पेट्रोल में हर चीज़ में 67 का पेट्रोल जाके जो है ना 109-110 में चले गया, ऐसा हमारे को इतनी तकलीफ चाह रही। मैं जो है ना लॉरी ड्राइवर हूँ, मैं जो है ना यहाँ पर पूरा आउट ऑफ में जो है ना पूरा 50 किलोमीटर सराउंडिंग में जो है ना मेरी गाड़ी चलती, मैं जो है सेठ के पास में काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह तो उतनी है, सेठ भी है तो डीजल जो है ना दला रहे हैं तो उनको भी तो लाज जाएंगे, सेठ को भी डीजल जो है ना डेली जितना लगता जितना है। मैं इस तरह से रेटा बढ़ जाने से हमारे सेठ जो है ना गाड़ियाँ बंद कर देने का इरादा करे अभी, क्योंकि डीजल पेट्रोल में रेटा बढ़ गए, मेरे को जो है ना पड़तल नहीं आ रही, माल की खरीदी भी जो है ना वैसे ही है, रेती गवर्नमेंट से जो है ना जो टेंडर छूटता वही टेंडर है, रेती भी महंगी मिलेंगी, पेट्रोल भी महंगा मिलेगा, डीजल भी महंगा मिलेगा, तो सेठा हमारे गाड़ियाँ कैसा चलेंगे। वो लोग जो है ना गाड़ी बंद कर देना चाह रहे हैं, जब वो बंद कर देंगे तो हम कैसा जिएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसके लिए तो हम तो जो है ना वो हम बच्चों को तो भूखे मरते हुए नहीं देख सकते, हम तो यही चाहेंगे कि हम खुद मर जाएंगे, हम खुद रोड पे मर जाएंगे भाई, हमारे बच्चों को कैसा देखेंगे बोलो आप मरते हुए। इस तरह से अगर काम करेंगी, इस तरह से तकलीफ देंगी तो जो है ना डाकू में और गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। पहले जिस तरह से डाकू हुआ करते थे, फिरते थे चौतरफ जो है ना, अब गवर्नमेंट बैठ के जो है ना डाकू वर्दी कर दी। मेरे हिसाब से तो ये बताना चाह रहा हूँ, मैं मामूली से गरीब आदमी हूँ, मैं ड्राइवर KCR साहब से मैसेज ये है कि KCR साहब जो है ना स्टेट का जो डेवलपमेंट चाह रहे हैं वो डेवलपमेंट से ज़्यादा गरीब के पेट की भूख है, वो भूख को पहले पूरी करिए, उसके बाद में जो है ना आप डेवलपमेंट का सोचिए। डेवलपमेंट में भी पूरे नहीं है ना, गरीबी में भी पूरे नहीं है, हमारे को तो जो है ना बहुत
बहुत लगड़ लगड़ के जीना पड़ा दो साल से, तो बहुत तकलीफ जा रही है हमारे को। अब हमारे सेठा भी कितना बोल के एडवांस देंगे, कितना बोल के हमारे को हेल्प करेंगे, कौन कितना टाइम तक हेल्प करता। ये गवर्नमेंट को चाहिए आम आदमी की तरह जो है ना बैठ के सोचना चाहिए, आम आदमी की तरह रह के सोचना चाहिए। ऊपर ठहर के देखने से नीचे का हिसाब तो मालूम नहीं पड़ता, नीचे रहेंगे। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है, तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर। शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाज़रीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहाँ पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अकसाम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अकसाम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइनबाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं।